कितने हैं तब मैं दिखाना। चोरी करना बुरी बात है। आप ही एक मैंने सबको दिखाना है अंदर अब कितने पैसे हो गए। क्यों इसमें अमाउंट आ जाती है? इसमें अमाउंट आ जाती है। देखना कोड जरा 00 रखा है। ओए मैं मर जाऊं। स्टार्ट कर रही हूँ और आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ पर हूँ। तो आप लोगों को पता जैसे कि मेरा फेयरवेल था, मतलब फेयरवेल एंड वेलकम ऑलमोस्ट दोनों चीज़ें, तो उस पर मैं आई हूँ। मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ कुछ। और ये पूल नकली है। तो अभी सारी परफॉर्मेंसेस हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ कि अब खाना खुल चुका है। तो खाने से शुरुआत करते हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ खाने में क्या क्या है और लोग किस तरह वैश्यों की तरह खाते हैं। सो लेट मी जस्ट शो यू। फर्स्ट प्रोडक्ट है नान और लोग बहुत ही पूरे तरीके से पड़ चुके हैं खाने पे। ठीक है, दिस इज रवायती सैलेड जो हर शादियों में पाया जाता है। भी बहुत कुछ है जैसे कि पुलाव, शुलाओ, सालन, कढ़ाही, कोरमा, कस्टर्ड, ब्ला ब्ला ब्ला। और ये फूल मेरे हाथ से कभी नहीं जाएगा व्लॉग के। हाँ मैं व्लॉग बना रही हूँ। पूछिए कि राबिया तुम क्या कर रही हो? तो मैं व्लॉग बना रही हूँ। अपनी सारा मजा छोड़ के व्लॉग बनाने पे फोकस कर चुकी हूँ। कुछ नहीं मिलेगा, एंड पे कुछ नहीं मिलना। काश के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी दोस्तों के साथ वैष्णियों की तरह खा रही हैं। मतलब इतना और अब मैं खाऊंगी। मैं तो बहुत खाती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा खाने वाली हूँ। हालांकि मैं डाइटिंग पे हूँ, लेकिन फिर भी खाना तो खाना होता है। तो अब मैं थोड़ी देर खाना खाने लगी, क्योंकि यार जाहिर सी बात है यहाँ कॉलेज में पैसे सबमिट करवाया, तो ऐसे तो बंदा गाया नहीं ना कर सकता। तो मैं आपको बता चाहती हूँ कि जब आपने चावल डाले तो आपको सालन डालना मस्त है। मेरी प्लेट रेडी हो चुकी है, अभी मीठे का टाइम आएगा, ऊपर फूल भी डाल सकते हैं। तो अब मैं खाने लगी हूँ, मुझे खाने दे प्लीज़। ये तो फाइनली मैं खाना डाल चुकी हूँ ये, और रायता डालने का मौका नहीं मिला तो मैं पूरा ही उठा लाई कि किसी को और को मौका ना दूँ मैं डालने का। तो इसलिए हम रायता आपको डालना चाहेंगे। और साथ इन्होंने हमारे साथ स्प्राइट रखी और साथ मेरा फूल। अब मैं खाना खाती हूँ, अब मुझे ना लें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब खाना खा रहे होते ना तो लड़की अपने हुलिये में नहीं होती, तो इसीलिए नहीं लेंगे। बाय। पूरा मेरा कॉलेज, ये सारे लोग और ये है कि अब शोर है तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। तो जब शोर बंद हो जाएगा मैं फिर आपको बताऊंगी। फाइनली मैं फ्री हो चुकी हूँ और अब घर जाने का टाइम आ गया। सब भी थक चुके हैं और मैं घर जाके बहुत लंबी नहीं सोने वाली हूँ। बाकी आपको घर में भी दिखा दूंगी कि कौन क्या कर रहा था जब मैं इधर थी, तो बाकी लोग क्या कर रहे थे। और अब मेरी कॉल आ रही है तो मैं उठा लेती हूँ वो। ये देखें जनाब, ये लड़की जो है ना, इस औरत को मैंने कहा राबिया घर ना आना अगर तुम व्लॉग बनाया तुमने। हाँ बनाया है ना, परफॉर्मेंसेस का नहीं बना पाई मैं, लड़का बनी थी वो भी नहीं बना रहा। दरवाजा पीछे से तो बंद करो। भूल गई थी, क्या कर सकते हैं। फिर मुझे जितना मौका मिला मैंने बना दिया, और जिस टाइम खाना खुला ना उस टाइम बनाया। ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अम्मियाँ घर से काम दे के भेजती हैं और ये करके नहीं आते। अपना ड्रेस दिखाओ पूरा। दिस इज माई ड्रेस और मेरी ये लुक थी, ऐसे करके लुक थी, और मैं ये डांस भी किया था। मैम ने भी तारीफ की थी कि बहुत प्यारा ड्रेस, बहुत अच्छा लग रहा है। आई लाइक ड्रेस, कहां से लिया ड्रेस? ड्रेस अच्छा लग रहा है, फिटिंग बहुत अच्छी है और हर चीज। लड़कियां कहती थी रॉब है तुम्हारी कमर। मैंने कहा यही नतीजा डाइटिंग का, पतली कमर। हां ड्राबे डाइटिंग करती देसी घी के आलू वाले पराठे खाती है। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इकरा कवल कहां से नमूदार हुई है। तो इकरा कवल नींद में थी, हमेशा मैं नींद में ही होती हूँ। मस्त लोग सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं विदाउट मेकअप। मैं थक के आई हूँ, अभी एक शूट वाला ने आना, हमने शूट करना है, और अभी मेरा पाँव इतने दर्द हो रहे हैं। सुबह 4 दिन से प्रैक्टिस कर रही हूँ।
life of an artist is not easy. An easy task. ये देखो, जब आप पार्टी करके आओ और जब आप फेयरवेल करके डांस करिए, तेरी आंखें क्यों खुली हुई हैं? अभी मैं सो नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ रेस्ट कर रही हूँ, उठ के शूट करना है। अगर आंखें बंद की तो फिर मैं सो जाऊंगी, इसलिए ऐसे ये वाला सोना ही होता है ऐसे। अच्छा, आधी आंखें खोल के डोरेमोन के। अगर आंखें बंद हुई वो चिपक जाती है, फिर खुलती नहीं है। समझ रही हूँ। सुबह कितने बजे उठी थी? 6 बजे। जो तुम तो ना मेरे साथ तुमने जो सुबह सुबह अपना कोई व्लॉग नहीं ना बनाया ना। मारो, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। हाँ, सीने पे खाए हुए। ये मोबाइल उठा के जब साइड पे रखोगी ना, तो फिर ही तुम्हारी नींद पूरी होगी। राबिया जो है वो अपनी नींद पूरी कर रही है, और मेरी जो मम्मी है ना वो यहाँ पे किस चीज का जूस बना रही है। मैं आपको जूस के बारे में इन्फॉर्मेशन दूं ना तो आप हैरान हो जाएं। मेरी मम्मा बना रही है जी फालसे का जूस। ठीक है, आप सोचोगे कि सर्दियां हैं तो फालसा कहाँ से आ गया। मेरी मम्मी ने लगाया है जुगाड़, और उन्होंने जो है वो गर्मियों में फालसा उठा के, मैंने फालसा रखा था गर्मियों में, लेके फ्रीज किया था अपनी सिस्टर के लिए, उन्होंने आना था। ओके, तो वो आई नहीं, तो अब सर्दियां। मेरी मामा की सिस्टर बाय द वे यूरोप होती हैं, और मेरी मतलब जो खाला है सबसे छोटी हमारी फेवरेट, वो व्लॉग देख रही होंगी आपके लिए आज उनके हिस्से का जूस। आज आपके हिस्से का आंटी हम जूस पी रहे हैं, और ये देखिए मेरी मामा आपके हिस्से वाला जो आपने पीना होता है ना फालसा, वो मम्मी पी रही है। मेरा दुश्मन मेरा आइसक्रीम मार मुकाया देखे आया तुम्हें है? मार ही मुकाया तुमने बता तो कैसा। हाँ, मिठाइयां खा रही सुबह सुबह, मजे की लग गई। दांत तुम्हारे अभी खराब है तो आपने कब शार्ट की? आज कर दी थी मैंने गलती से, मैंने कहा था जरा मैं कर दूं थोड़ी सी है। अच्छा जी। हाँ जी, तो क्या प्लान है आज? आज का कोई प्लान नहीं है। प्लान तुम्हें लगता है कि मैं रोज तुम्हें जॉयलैंड लेके जाऊंगी, रोज तुम्हें किसी ना किसी जगह लेके जाऊंगी, रोज तुम्हें मूवी दिखाने लेके जाऊंगी, इसको ना टेढ़ा करो। कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं कहीं जा रही हूं। ओह माय गॉड, बस एक आज का काम करो, वो पीछे 500 के लगा वो उतार दो। जाओ। लगाया किसने? मैंने। तो फिर उतारेगा कौन? आप, जो कचरा बड़े करते हैं छोटे साफ करते हैं। 500 की जगह ये जो देख रहे हैं ना, के उतार के मैंने अब लगा दिया। चलो जाओ। सो मम्मी, ये जो जूस का ग्लास है ये सीधा यूरोप में यूनो। आप सोच रहे होंगे इतना टेस्टी टेस्टी। अच्छा मम्मा, बहुत से लोग हमारी रेसिपीज देखते हैं, हमें खाना बनाते हुए देखते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमारे मुंह में पानी आ जाता है अभी हम नूडल्स खा के। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ बड़े मजे मजे के। तो जनाब, अब सब फालसे का जूस कैसे पियेंगे? बस सब मुझे नहीं, भाग दो यहाँ से तुम, भूखी अभी तुमने मिठाई खाई। मम्मा ये मेरा, इसको हाथ ना लगाए कोई। अरे बाल आप ही हटाओ। तुमने मेरे बालों पे तो नहीं लगाया? लगा, निकलो यहाँ से मेरी मॉम जी। मम्मा अपनी बहन को तो मेरी मम्मा का भी एस्ट्रोलॉजी बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है अपनी बहन के साथ। सारा दिन उनसे बातें करती रहती, सारा दिन बातें करती रहती, इतनी बातें। आप समझ रहे हैं ना मम्मिया, की कीता। मेरी मामा ऐसी बातें नहीं करती। मेरी मामा ऐसी बात, मैं वही तो बता रही हूँ, ऐसी बातें नहीं करती। मामा कहती हैं हम तो शुगर लगाते हैं। शुगर, अम्मियों का भी शुगर होते हैं। ग्रेट। अब आप जूस, ज़ैनब निकलो यहाँ से। मेरी मामा ने तो फिर अपनी बहन के लिए फालसा कर रखना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रखूंगी। राबिया को जो मैंने नया बैग लेके दिया था प्यारे वाला खूबसूरत सा, वो मेरा भी है ये। चल निकल, क्या कर रही है तू? मेकअप। राबिया, नेल पॉलिश। सुनो, तेरे बैग की तलाशी ले रही है ये चोर। परफ्यूम? ये कैसा परफ्यूम? परफ्यूम मैन का, फॉर मैन। आज जैनम के फ्रेंड भी आए हुए, बाय शीट। ये लोग खेलते, ये क्या कर रही हो? अच्छा, आज वो फेयरवेल पे गई थी ना। मेरी पोनी, सब कुछ ही तेरा। वो लड़का, वो लड़का, मानो क्यों गन डाल रही हो? ये पेपर मुझे नहीं पता किसका, और ये पूरा बैग ही मेरा है। अच्छा, इसमें क्या रखा हुआ है? ओहो, तोड़ दी है ना? नहीं, टूट जाता है। नेल पॉलिश रिमूवर, लिपस्टिक। बंद करो इसको, ले लेता। चोर चोर चोर, 20 रुपए निकाले हैं इसने। राबिया तुम्हारे कैंडी। अब उसके ये
मानो मानो मानो, डू यू नो चोरी हो गई तुम्हारी? डर गई, हाय सदके मेरी बहन डर गई। सो जा सो जा, बाद में पता लगेगा तुझे, शौक लगेगा जब तेरे बैग में से इक्विपमेंट्स नहीं बरामद होंगे, है ना। किधर अब ये चोर आई है, तुम वो चार्जर नहीं, मांग रही? नहीं, मैं अच्छी बन रही हूँ, रख देती हूँ वरना। पैसे वापस रखने आ रही हूँ। हाँ रखो, मैं रख देती हूँ ना, ताकि वो रखो अब बेटा यहाँ पे। तुम नियत खराब हो गई है क्या मतलब? वाओ देख आप कितने निकालने, चल आज हाफ हाफ करेंगे दोनों। चलो चुप रहो। इस लड़की ने पैसे निकाल तो लिए हैं, अब देखना है ये बाकी कि इन पैसों का करती क्या है। ज़रा मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इन पैसों के साथ ना करने क्या वाली है। ए क्या कर रही हो? डाल नहीं हूँ। पागल हो तुम? ओए उसके पैसे मेरे। ज़ैनब ये बस होने बाद वापस कैसे निकालोगी वो? उसको मैं उसको बताती हूँ, वो नींद में है। तुम्हारी इसने बिल्ली को मैंने खराब कर देना। अभी खजाना दिखाना है मैंने कितने हैं। फट जाएगा नोट। वाओ रबिया तुम्हारा बैंक लूट लिया गया। और रबिया के फाद या अल्लाह, एक मिनट अब मैं दिखाना। चोरी करना बुरी बात है। आप ही एक मिनट, मैंने सबको दिखाने अंदर अब कितने पैसे हो गए। क्यों इसमें अमाउंट आ जाता है? आयो इसमें अमाउंट आ जाती है। हाँ। कैसे? अब देखना कोड जरा 00 रखा है। चोर खजांची साथ अपने पार्टनर को मिक्स किया है, उसको भी तुम चोरी की आदत डालोगी। कमाल हो गए यार, ये सारे पैसे से मैंने बेटा मुझे कोड PS5 लेना है। मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे पैसे यहाँ पड़े होते हैं तो, और इसका कोड आ गया। कर दूंगी। अच्छा तुम नहीं कर सकती, मैं फिर तुम्हें पकड़ लूंगी इसी तरह, ठीक है? तो मैं रबिया को बता दूंगी। इन दोनों की चोरी पकड़ने के बाद मैं अपने कमरे में आ चुकी हूँ, और बेमौसम फल का जूस पीने का अपना ही मजा है, अलग ही मजा है। सो आई एम एंजॉइंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग और ये छोटी सी हमारी रूटीन, रबिया का फेवर, ज़ैनब की चोरी, सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी। और भी ऐसा कुछ भी नेचुरल होता है मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो स्टे कनेक्टेड विद एस्ट्रोलॉजी, इसी तरह से प्यार करते रहें, और अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।